क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन का वॉल्यूम इतना तेज कैसे हो जाता है, या आपके गिटार का म्यूजिक इतना पावरफुल कैसे बनता है? इसका जवाब है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल की ताकत को बढ़ाता है। ये कमजोर सिग्नल को लेकर उसे मजबूत बनाता है, जिससे हमें साफ और तेज आवाज सुनाई देती है। एम्पलीफायर हमारे रोज के जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम और दूसरे कई उपकरणों में इनका इस्तेमाल होता है। बिना एम्पलीफायर के ये चीजें उतनी उपयोगी नहीं होती जितनी आज हैं। आज एम्पलीफायर को अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। यह विभाजन उनके कार्य और उपयोग के आधार पर किया जाता है। एक तरीका है सिग्नल के हिसाब से, जिसे ये बढ़ाते हैं। सिग्नल के प्रकार के अनुसार एम्पलीफायर की कार्यक्षमता भी बदलती है। इस हिसाब से तीन तरह के एम्पलीफायर होते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर, ये तीनों प्रकार के एम्पलीफायर अपने अपने सिग्नल को बढ़ाने में माहिर होते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर सिग्नल के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जिससे सिग्नल की तीव्रता बढ़ जाती है। करंट एम्पलीफायर सिग्नल के करंट को बढ़ाते हैं, जिससे सिग्नल की धारा में वृद्धि होती है। और पावर एम्पलीफायर सिग्नल की पावर को बढ़ाते हैं, जिससे सिग्नल की कुल ऊर्जा में वृद्धि होती है। हर तरह के एम्पलीफायर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है, जैसे कि ऑडियो, संचार और मापन उपकरणों में। जैसे कि ऑडियो एम्पलीफायर में वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है, ताकि ध्वनि की गुणवत्ता और तीव्रता बढ़ सके। जबकि सेंसर रीडिंग को बढ़ाने के लिए करंट एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे सटीक माप प्राप्त हो सके। एक और तरीका है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जिस तरह से ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाया जाता है। ट्रांजिस्टर की प्लेसमेंट और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस बदलती है। इस हिसाब से कई तरह के एम्पलीफायर होते हैं, जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जिनमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी और क्लास डी शामिल हैं। हर क्लास की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर सबसे आसान होते हैं और इनमें सबसे कम गड़बड़ी होती है, क्योंकि ये सिग्नल को लगातार एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन ये सबसे कमज़ोर भी होते हैं और इनकी पावर आउटपुट कम होती है। क्लास बी एम्पलीफायर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये सिग्नल के दोनों हाफ को अलग अलग एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन इनमें गड़बड़ी ज़्यादा होती है, जिससे सिग्नल की क्वालिटी प्रभावित होती है। क्लास ए बी एम्पलीफायर क्लास ए और क्लास बी के बीच के होते हैं, जो दोनों के फायदे को मिलाकर काम करते हैं, जो अच्छी ताकत और कम गड़बड़ी देते हैं, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय हैं। क्लास सी एम्पलीफायर सबसे ताकतवर होते हैं और ये बहुत उच्च आवृत्ति पर काम करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ वहाँ होता है जहाँ सिग्नल खराब ना हो, जैसे रेडियो ट्रांसमिशन में। क्लास डी एम्पलीफायर नई तकनीक है और ये बहुत ज़्यादा ताकत और कम गड़बड़ी देते हैं। ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं, जिससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेक्शन 4, फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से प्रकार। एम्पलीफायर को उस फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से भी बांटा जा सकता है जिस पर ये काम करते हैं। एम्पलीफायर को उस फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से भी बांटा जा सकता है जिस पर ये काम करते हैं। इस हिसाब से कुछ आम तरह के एम्पलीफायर हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर और अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। इस हिसाब से कुछ आम तरह के एम्पलीफायर हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आईएफ एम्पलीफायर और अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर। एफ एम्पलीफायर उन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। एफ एम्पलीफायर उन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। ये आमतौर पर म्यूजिक सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और होम थिएटर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि आरएफ एम्पलीफायर रेडियो संचार में इस्तेमाल होने वाली तेज फ्रीक्वेंसी, कुछ किलोहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक को बढ़ाते हैं। ये एम्पलीफायर रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आईएफ एम्पलीफायर का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविजन रिसीवर में होता है, ताकि सिग्नल को एक बीच की फ्रीक्वेंसी तक बढ़ाया जा सके, जिससे सिग्नल की क्वालिटी और स्थिरता बढ़ती है। और अल्ट्रासोनिक एम्पलीफायर उन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं जो हमारी सुनने की क्षमता से ज़्यादा होती है, 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा। ये एम्पलीफायर अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग
मेडिकल इमेजिंग और इंडस्ट्रियल नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में उपयोग होते हैं। सेक्शन 5, इस्तेमाल के हिसाब से प्रकार। आखिर में एम्पलीफायर को उनके इस्तेमाल के हिसाब से भी बांटा जा सकता है। कुछ आम तरह के एम्पलीफायर में शामिल हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ONP amps, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर और बफर एम्पलीफायर। ONP amps ऐसे एम्पलीफायर होते हैं जिनका इस्तेमाल कई तरह के कामों में हो सकता है, जैसे कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग और गणितीय काम। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का इस्तेमाल कमजोर सिग्नल को मापने के लिए होता है, जैसे कि सेंसर से आउटपुट, और बफर एम्पलीफायर का इस्तेमाल सिग्नल के स्रोत से लॉट को अलग करने के लिए होता है, जैसे कि ऑडियो उपकरण में। सेक्शन 6, निष्कर्ष। एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, जो हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरणों में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये कई तरह के होते हैं, हर एक को खास कामों के लिए बनाया गया है। चाहे वो ऑडियो सिग्नल को बढ़ा रहा हो या वैज्ञानिक उपकरणों में सटीक माप दे रहा हो, एम्पलीफायर आधुनिक तकनीक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।